सिंगी पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में अलकापुरी कॉलोनी बोल के एक है, उसमें विक्रम राव बोल के उन 15 दिन के पहले काशी को गया। वो बाहर कुफल डाल के 15 दिन से उन गांव पे नहीं है। वो मौके को देखे ये दो एक्यूज्ड जो है सोहेल है और एक अंजलप्पा, ये दो जने मिल के ये ऑफेंस करे। परसों रात में 2 बजे के आसपास में वहाँ पहुँचे। उसके बाद में वन एंड हाफ आवर में ये ऑफेंस कंप्लीट करके ये लोग वो घर से पूरा जो तिजोरी भी दो गोदरेज सेफ लॉकर्स है वो दो लॉकर्स को और पूरा प्रॉपर्टी लेके जाके हैदराबाद सिटी में पहुँचे। वो लोग एक सोहेल दबीरपुरा का है और दूसरा अंजलप्पा ये पाड़ी शरीफ में रहने वाले हैं। एक्चुअली उन्होंने नेटिव ऑफ नारायणपेट का है। सोहेल को ऊपर 13 केसेस है, हैदराबाद सिटी में है, साइबराबाद में भी है और अंजलप्पा का भी ऊपर हैदराबाद में केसेस है। अभी इसके पहले सोहेल के ऊपर पीडी एक्ट भी लागू करे सो है। उन्होंने अपना अप्रैल महीने 2022 बाहर आ गया जेल से। उसके बाद में भी उन्होंने अपना गए सो फरवरी मंथ में एक व्हीकल थेफ्ट में फिर जेल को जाके फिर वापस आ गया। ये दो जने जेल में मुलाकात हुए, दो जने मिलके ये पहली ऑफेंस करे। 24 घंटे के अंदर हमारा साइबराबाद CCS शशांक रेड्डी और नरसिम्हा इंस्पेक्टर अपना नारसिंगी DI एंड वो लोगों का पूरा टीम मिलके नाइट ऑपरेशन करके सुबह के टाइम में आइडेंटिफाई करके पूरा वो लोगों को पकड़े, पूरा माल भी बरामद करे और उसमें 16-17 तुले की सोना है और 2 किलो की सिल्वर भी है उसमें। अभी एक्यूज्ड के ऊपर PD एक्ट भी करने का चांसेस है, उसमें हमारे को रिकॉर्ड के हिसाब से हम जाते। ये पुराना ऑफेंसेस भी है ये लोगों के ऊपर, ये लोगों कंटिन्यूएशन ऑफेंस कर रहे इसलिए वो लोगों के ऊपर PD एक्ट लागू करेंगे। सोहेल अपना डबिलपुरा के याकुतपुरा में रहते हैं, डबिलपुरा में है। वो एडिक्टेड है, पीने का एडिक्टेड है, बहुत पीने का एडिक्टेड है वो।